नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको टेक हलचल के अंदर। इस प्रोग्राम के अंदर आपको मैं रूबरू करवाता हूं पांच ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया की खबरों से जो कि हो सकता है आपके काम की होगी। दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहली जो कि जानी मानी भारतीय कंपनी जिसका नाम है जियो। और जियो ने फिर से हालांकि आपको मैं बता दूँ कि जियो गीगा फाइबर जो कि पिछले कुछ महीनों पहले ही इसे लॉन्च कर दिया गया है और वहाँ से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी जियो कंपनी ने, ताकि आप लोगों को जियो गीगा फाइबर के माध्यम से आपके घरों में ब्रॉडबैंड सेवा बहुत अच्छे से हाई स्पीड नेट के साथ दी जाए। तो ये इंतज़ार जल्द ही आपका ख़त्म होने वाला है और जल्द ही कंपनी जियो गीगा फाइबर सर्विस को स्टार्ट करने वाली है। अगर बात करें तो कुछ 1110 शहरों के अंदर ये सर्विस आपको मिलने वाली है और इसके साथ ही यहाँ पर 5 करोड़ घरों के अंदर इन कनेक्शनों को लगाने का टारगेट के साथ में इस कंपनी ने अभी आने वाले समय में शुरू कर सकती है कुछ ही समय में। अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पे जियो गीगा फाइबर है क्या, तो यह एक फाइबर सर्विस है जिसके माध्यम से आपको घरों के अंदर कनेक्शन दिए जाएंगे ब्रॉडबैंड के। और अगर बात करें तो यहाँ पर फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको दिए जाएंगे। अगर देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कनेक्शन जिस शहर से होंगे वहाँ पर पहले इस सर्विस को दिया जाएगा, इस तरह की बात है। अगर इसके अंदर बताएं तो एक प्रीव्यू ऑफ़र चलने वाला है जो कि 4500 रुपये का है और 4500 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे और इसमें आपको मिलेगा 100 GB डाटा 100 MBPS की स्पीड के साथ में, और यह 3 महीने के लिए आपको ऑफ़र दिया जाएगा। अगर ये डाटा आप पूरा कर लेते हैं इसके बाद आपको 40 GB डाटा आप एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। अगर बात करें तो यहाँ पर आप मुंबई दिल्ली और दिल्ली NCR के आसपास के जगहों पर इस जियो गीगा फाइबर की टेस्टिंग की गई थी और अब भारत में लगभग तैयारी कर चुकी है कंपनी सारे भारत के 1110 शहरों के अंदर इस सेवा की शुरुआत करने के लिए। ये थी दोस्तों जियो से खबर और चलिए चलते हैं अगली खबर पर। और एक ट्रेंड माइक्रो नाम की कंपनी है जो कि सिक्योरिटी फर्म है, सिक्योरिटी कंपनी है, जिसने 5 ऐसे एप्लीकेशन को डिटेक्ट किया है जिसके माध्यम से जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपने इंस्टॉल कर लिया है तो हो सकता है कि वो ऐप आपके चैटिंग को, आपके मैसेजेस को देख रहे हैं। दोस्तों सही बात बता रहा हूँ, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर फ्लैपी बर्ड डॉग और इसके साथ ही Win7 एम्यूलेटर, इसके साथ ही फ्लैशलाइट और HZ Promise Pro और इस तरह की 4-5 जो कि एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आपको स्क्रीन पर आप नाम देख सकते हैं अच्छे से। और उन्हें अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर मौजूद है तो उन्हें डिलीट कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसी हैकर के सर्वर से कनेक्ट होकर आपकी चैटिंग को उनको दिखाया जा रहा है। इस तरह की जो हैकिंग है, इस तरह की बात बताई जा रही है जो कि ट्रेंड माइक्रो नाम की कंपनी है जिसने इसको पहचाना है इस तरह की। और गूगल प्ले स्टोर से ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें जो आपके काम के ना हो। दोस्तों iOS की बात करें तो वो ज़्यादा सेफ है एंड्रॉयड के मुकाबले, क्योंकि iOS किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को ऑथराइज नहीं करता है इस तरह से, ताकि वहाँ पर वायरस और हैकिंग जैसी बातें बहुत कम होती है। अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पर आपके डाटा को चुराया भी जा सकता है और आपकी चैटिंग को, आपकी पर्सनल मैसेजेस को किसी के भी द्वारा पढ़ा जा सकता है। दोस्तों ये थी खबर जो कि आपको 5 एप्लीकेशन के बारे में जो कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपके स्मार्टफोन में है तो डिलीट कर दीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली खबर पर और वो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई। दोस्तों चल रहा है ओप्पो कंपनी का जो कि रियलमी ब्रांड है, जो कि सब ब्रांड है। अगर इसमें बात करें तो रियलमी के कुछ स्मार्टफोन आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर बात करें तो वो है योडे सेल के नाम से एक सेल चल रही है जो कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर चल रही है। आप चाहे तो अमेज़ॉन के लिंक, एफिलिएट लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं कि आपको रियलमी U1 आपको मिल रहा है
3 GB रैम के साथ 32 GB इंटरनल वाला जो स्मार्टफोन है वो 12,999 रुपये की जगह पर 11,999 रुपये में मिल रहा है। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको 4 GB 64 GB इंटरनल वाला जो वेरिएंट है वो 15,499 रुपये की जगह पर 14,499 रुपये में मिल रहा है। अगर बात करें तो यहाँ पर EMI और एक्सचेंज ऑफर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। बात करें दोस्तों यहाँ पर Realme 2 Pro और Realme 2 जो कि इसके साथ ही Realme C1 पर भी आपको अच्छा सा डिस्काउंट मिल रहा है। आप चाहे तो इन लिंक्स को आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी डिस्काउंट चल रही है जो कि अभी इस सीज़न में है और आने वाले समय में हो सकता है ऐसी जो एक्सक्लूसिव जो डिस्काउंट है वो आपको आगे न मिले। इसका कारण ये है कि सरकार ने कुछ नियम कड़क कर दिए हैं। कड़े नियमों के कारण कंपनियां ऐसे प्लेटफॉर्म पर अभी मोबाइल स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं और वो है MI पावर बैंक से। हालांकि यह भारत में लॉन्च नहीं किया गया पर जल्द ही आने की संभावना है। अगर आप पावर बैंक लेने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, हो सकता है आपको बहुत ही लेटेस्ट वर्जन का पावर बैंक मिल जाए। दोस्तों MI की पावर बैंक काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड वाइड इसे पसंद किया जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पर भारत में भी काफ़ी अच्छा मार्केट जमा है स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। दोस्तों इस पावर बैंक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर MI पावर 3 प्रो जो कि 43 वोल्ट का जो सपोर्ट है इसके साथ में और ड्यूअल वे फास्ट चार्जिंग आपको सपोर्ट मिलता है इसके साथ ही। इसमें टाइप सी पोर्ट है और 45 वोल्ट इनपुट सपोर्ट है, 15 वोल्ट 3 एम्पियर का आउटपुट सपोर्ट है इसके साथ ही। 20,000 mAh का यह पावर बैंक है जिसके अंदर काफ़ी तेज़ी से इसे चार्जिंग किया जा सकता है। अगर बात करें तो यहाँ पर USB टाइप ए और USB टाइप सी पोर्ट, इसमें 3 पोर्ट दिए गए हैं जबकि पिछले वाले जो पहले के जो जितने भी पावर बैंक थे वो सब 2 USB पोर्ट वाले थे, इसमें 3 USB पोर्ट आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट होने के कारण छोटे लेटेस्ट जो जितने भी लैपटॉप्स हैं उन्हें भी आप इस पावर बैंक के माध्यम से चार्ज कर पाएंगे। दोस्तों ये थी खबर जो कि MI से थी और चलिए चलते हैं अगली खबर पर और जो है सैमसंग से। अगर सैमसंग की बात करें दक्षिण कोरिया कंपनी है और काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट रहती है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर टीवी के सेगमेंट के अंदर एक ऐसा टीवी 4K टीवी आप लॉन्च करने वाली है जो कि सैमसंग ने अभी क्या नहीं है, जो कि अपनी साइज़ चेंज कर सकती है। अगर बात करें तो साइज़ कैसे चेंज करती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दक्षिण कोरियन इस कंपनी ने माइक्रो LED टीवी पर काम किया था, माइक्रो LEDs पर जो कि एक तरह से अलग अलग रेड ग्रीन और ब्लू कलर की LEDs होती है जो कि खुद ही अपनी लाइटिंग को यानी कि अपने जो LED चिप्स लगे हुए हैं उसके माध्यम से खुद ही रोशनी को पैदा करती है। इसकी वजह से इसका एस्पेक्ट रेशियो और इसके साथ ही इसकी जो साइज़ है उसे चेंज किया जा सकता है, वो चेंज कर सकती है ऑटोमेटिकली। ये चीज़ जो कि नई टेक्नोलॉजी है जो कि आप लोगों को बतानी थी। अगर 75 इंच का ये LED टीवी लॉन्च होने वाला है जो कि 4K सपोर्ट के साथ में है, अगर इसमें यूज़ किया गया है माइक्रो LED चिप्स को जो कि अपने एस्पेक्ट रेशियो और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये थी खबरें जो कि टेक्नोलॉजी की दुनिया से थी और ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहे तो हमें सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी जगहों पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।